भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विमेंस एशिया कप में जीत के साथ शुरुआत की है। बता दें कि टीम इंडिया ने पहले ही मुकाबले में अपने सबसे बड़े राइवल पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। वहीं टीम ने 109 रन का टारगेट 14.1 ओवर में चेंज कर लिया। बता दें कि उप कप्तान स्मृति मंदाना और शेफाली वर्मा ने 85 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप करके रन चेंज आसान बनाए। वहीं भारतीय गेंदबाजों ने दीप्ति शर्मा की अगुवाई में पाकिस्तान को 19.2 ओवर में 108 रन पर ऑल आउट कर दिया। वहीं दांबुला में मिली इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने 2022 में मिली पिछली हार का बदला भी ले लिया है। वहीं तब टीम इंडिया 13 रन से हार गई थी।